डॉक्टर ने ये स्प्लीन निकालने का सर्जरी सजेस्ट किया है। सो ऐसा नहीं, वेस्ट पार्ट नहीं है हमारे बॉडी के अंदर, सो ऐसा कुछ इन्फेक्शन से वो आने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। जिनको स्प्लीनेक्टमी हो गया तो उनको कौन सा प्रिकॉशन लेना है? ऐसे अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जी मुझे ITP का बीमारी है और मेरे डॉक्टर ने ये स्प्लीन निकालने का सर्जरी सजेस्ट किया है, ये ऑपरेशन कर सकते हैं क्या? जैसा 1990s 2000 में जब ITP बीमारी में स्टेरॉइड्स यूज़ करने के बाद वो काम नहीं कर रहा, तो ज़्यादा दिन स्टेरॉइड देना पड़ेगा तो स्प्लीन को निकालते थे। ठीक है, ये स्प्लीन क्या है? स्प्लीन ऐसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी में। जैसा हमारे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम बोलते हैं, जैसा लीवर का ऑपोजिट होता है, एग्जैक्टली लेफ्ट साइड रिबकेज के अंदर होता है स्प्लीन पार्ट। वो स्प्लीन नॉर्मली हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, सो बहुत इंपॉर्टेंट इम्यून फंक्शन है इसको। सो ऐसा नहीं, वेस्ट पार्ट नहीं है हमारे बॉडी के अंदर। सो इसका निकालने का डिसीजन जब लिया तो हम बहुत सोच के डिसीजन लेना कि इसको निकालना है नहीं है, क्योंकि जब भी हम स्प्लीन को निकालते हैं हमारा इम्यून फंक्शन थोड़ा कम हो जाता है। सो ऐसा कुछ इन्फेक्शन से वो आने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, वो खतरनाक भी बन सकता है कुछ बार। इसीलिए स्प्लीन को निकालने के पहले बैठ के सोचना है कि ये निकालने का इंडिकेशन है नहीं है। सो उसके बारे में हम डिस्कस किया तो पहले स्टेरॉइड जब काम नहीं करता था तब स्प्लीन निकालते थे। सो अभी लेटेस्ट में बहुत अच्छा दवाएँ आए हैं, थ्रोम्बोपोर्टिन एगोनिस्ट आए हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी से। अभी स्प्लीनेक्टमी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्प्लीन निकालने के बाद मैं बताया कि इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है और कुछ पेशेंट्स में बहुत डेंजरस हो सकता है। इसीलिए पहले सेकेंड लाइन दवा ट्राई करके कॉम्बिनेशन दवा ट्राई करके वो भी काम नहीं कर रहे तो फिर स्प्लीनेक्टमी के बारे में सोचना है। यहाँ स्प्लीनेक्टमी कैसा काम करता है ITP में? सो हमारा इम्यून सिस्टम, ITP में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम प्लेटलेट को अटैक करके वो अटैक प्लेटलेट को स्प्लीन के अंदर लेके वहाँ मारता है। सो हमारे प्लेटलेट कहाँ हमारे शरीर से निकल रहे हैं? स्प्लीन के अंदर। सो इसीलिए स्प्लीन को निकालने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम प्लेटलेट को अटैक करने के बाद भी वो प्लेटलेट नहीं मरता, वो ब्लड में वैसे रहता है। सो वो काम करता है, ये प्रिंसिपल है स्प्लीनेक्टमी का एक्चुअली होता है। सो अभी इंडिकेशन, अभी लेटेस्ट अभी करंट प्रैक्टिस हमारा ऐसा है कि जो केसेस कोई भी दवा को रेस्पॉन्स नहीं करते हैं, जैसा फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन दवा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, सो फिर स्प्लीनेक्टमी के बारे में सोचते हैं। जो बच्चों में 5 साल के अंदर बच्चों में, बड़ों में 80 और 70 ईयर्स के ऊपर बड़ों में स्प्लीनेक्टमी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ज़्यादा रिस्की हो सकता है। सो ये भी ऐसा बताया, इंडिकेशन को देखना है, वो इंडिकेशन को देख के फिर ही डिसाइड करना है कि स्प्लीनेक्टमी करना है नहीं करना। सर अभी एक पेशेंट है जिनको स्प्लीनेक्टमी हो गया, तो उनको कौन सा प्रिकॉशंस लेना है? ऐसे कि इन्फेक्शन का रिस्क जो बोले थे आप, तो उसके लिए कौन सा कुछ इंजेक्शन यूज करना है कुछ? सो इन्फेक्शन रिस्क कम करने को क्या कर सकते हैं? सो मैं बताया कि स्प्लीन बहुत इंपॉर्टेंट इम्यून फंक्शन देता है ना, कुछ इन्फेक्शन से हमको बचाता है। सो जो वो इन्फेक्शन से उसका वैक्सीन लेना पड़ता है, जैसे न्यूमोकोकस मेनिंगोकोकस हीमोफिलेज इन्फ्लुएंजा बोल के कुछ वैक्सीनेशन से वो स्प्लीनेक्टमी करने के पहले डॉक्टर्स देते हैं। और स्प्लीनेक्टमी होने के बाद भी ये फ्रीक्वेंस होता है, पहले 1 साल में होता है फिर 5 साल में एक बार लेना पड़ता है। ये वैक्सीनेशंस लेने से इन्फेक्शन का रिस्क कम कर सकते हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि जब भी पेशेंट को बुखार आता है, इन्फेक्शन आता है, और बहुत जल्दी फिजिशियन के पास पहुँचना है और फिजिशियन को बताना है कि पेशेंट को स्प्लीनेक्टमी हुआ। सो क्योंकि वो पेशेंट में जल्दी एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करने से वो इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। और थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी घर के अंदर पेट्स होते हैं, सो पेट्स बाइट से डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, सो पेट्स को अवॉइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट।